कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं स्पेशल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जांपल। तो देखते हैं कौन सा एग्जांपल हमको दिया गया है। तो आज हमको एग्जांपल दिया गया है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। एग्जांपल कुछ ऐसा है, इन अ सर्टन फैक्ट्री टर्निंग आउट अ ब्लिट्स देयर इज अ स्मॉल चांस of 1 upon 500 for any blade to be defect। यहाँ पे एक फैक्ट्री के लिए दिया गया है। फैक्ट्री क्या कर बनाती है, ब्लेड बनाती है। उसमें एक छोटा सा चांस है कि ब्लेड क्या निकले, डिफेक्टिव निकले। उसके लिए हमको P क्या दिया हुआ है, 1 upon 500। The blades are supplied in a packet of 10. एक पैकेट में कितने ब्लेड आते हैं, 10. Using the poison distribution to calculate the approximate number of packet containing no defective blades, यानी कि एक भी ब्लेड डिफेक्टिव ना हो, उसके लिए 1 defective यानी कि एक ब्लेड डिफेक्टिव हो, 2 defective ब्लेड यानी कि 2 defective ब्लेड हो, उसके लिए हमको 10,000 पैकेट के लिए फाइंड करना है। यानी कि 10,000 पैकेट में से कितने ब्लेड में 0 होगी डिफेक्टिव, एक ब्लेड डिफेक्टिव होगी और 2 ब्लेड डिफेक्टिव होगी, उसका नंबर हमको फाइंड करना है। सबसे पहले तो क्या क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है 1 upon 500। स्मॉल n हमको दिया हुआ है, एक पैकेट में कितने ब्लेड होते हैं, 10। और कैपिटल n हमको दिया हुआ है 10,000। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम। सबसे पहले तो जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। P दिया हुआ है, P is equal to 1 upon 500। Small n हमको दिया हुआ है 10। Capital N हमको दिया हुआ है 10,000। अभी सबसे पहले हमको पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लैम्ब्डा की वैल्यू चाहिए। तो लैम्ब्डा की वैल्यू के लिए हमारे पास इक्वेशन है, लैम्ब्डा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं n इंटू पी। एन की वैल्यू है 10, पी की वैल्यू है 1 upon 500। 0 0 कैंसिल आउट हो गए तो हमको मिला 1 upon 50। इसकी आंसर होगा 0.02। अभी पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का इक्वेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस लैम्ब्डा, लैम्ब्डा रेस टू एक्स अपॉन एक्स टू। लैम्ब्डा की जगह पे हमको सिंपली वैल्यू पुट करनी है तो क्या मिलेगा, ई रेस टू माइनस 0.02 रेस टू एक्स डिवाइड बाय एक्स फैक्टोरियल। अभी फर्स्ट हमको फाइंड करना है जीरो के लिए। तो इस वाले इक्वेशन में जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम सबसे पहले जीरो रख देंगे, उसके बाद वन ब्लेड के लिए तो एक्स की जगह पे 1 एंड 2 ब्लेड के लिए तो एक्स की जगह पे 2। तो हमको तीनों आंसर मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वन के लिए प्रोबेबिलिटी फॉर नो डिफेक्टिव ब्लेड यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स की जगह पे हमको 0 पुट करना है, ई रेस टू माइनस 0.02 0.02 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। e रेस टू माइनस 0.02 की वैल्यू होती है 0.9802। किसी की भी पावर 0 हो क्या होता है, 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल होता है
होगा। तो हमको आंसर मिल गया 0.9802। अभी हमको कितने नंबर ऑफ 10,000 में से कितने पैकेट में नो डिफेक्टिव ब्लेड होगी उसका नंबर फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जो आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी उसको मल्टीप्लाई करना है सिंपली 10,000 से। तो हमको मिलेगा 10,000 इंटू 0.9802। तो हमारा आंसर हो गया 9802, यानी कि कितने पैकेट में डिफेक्टिव ब्लेड नहीं होगी 9802 में 10,000 में से। उसके बाद सेकेंड के लिए देखते हैं। सेकेंड हमको फाइंड करना था वन ब्लेड डिफेक्टिव, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन। एक्स की जगह पे वन पुट कर देंगे तो हमको मिलेगा ई रेस टू माइनस 0.02 रेस टू वन अपॉन वन फैक्टोरियल। ई रेस टू माइनस 0.02 की वैल्यू होती है 0.9802 इंटू 0.02 की पावर वन, यानी कि 0.02 ही मिलेगा अपॉन वन फैक्टोरियल यानी कि वन। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा प्रोबेबिलिटी का 0.0196। अभी सेम चीज एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, ये मिल गई हमको प्रोबेबिलिटी। एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन, यानी कि 10,000 इंटू 0.0196। तो हमको आंसर क्या मिलेगा 196, यानी कि पैकेट में एक ब्लेड डिफेक्टिव हो उसकी कितने पैकेट हो गए 196। उसके बाद थर्ड वन, दो ब्लेड डिफेक्टिव हो उसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू के लिए, यानी कि एक्स की जगह पे सिंपली टू पुट करना है। ई रेस टू माइनस 0.02 रेस टू टू अपॉन एक्स फैक्टोरियल यानी कि टू फैक्टोरियल। ई रेस टू इज माइनस 0.02 इंटू 0.02 टू टाइम्स अपॉन टू फैक्टोरियल यानी कि टू। इसको कैलकुलेट करेंगे, ई रेस टू माइनस 0.02 की वैल्यू होती है 0.9802 इंटू 0.02 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 0.000196। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कैपिटल एन, ये मिल गई हमको प्रोबेबिलिटी कैपिटल एन इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू 10,000 इंटू 0.000196 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 1.96 अप्रोक्सीमेटली, क्या लिख सकते हैं हम 2, यानी कि दो ब्लेड डिफेक्टिव हो उतने पैकेट कितने पैकेट हो गए, दो पैकेट में दो ब्लेड डिफेक्टिव हो गए। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।